गुजरात અને હિમાચલ પ્રદેશની સાથે સાથે દિલ્હી એમસીડીની ચૂંટણી પણ ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાવા જઈ રહી છે। આ બધાની વચ્ચે એક વિડિયો છે તે સોશિયલ મીડિયા પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે। વિડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ યાદવ પર આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જ માર મારવામાં આવી રહ્યો છે। શું છે સમગ્ર વિગત તે જાણીએ આ વિડિયોમાં। નમસ્કાર, હું નીલમ ખારેચા, આપ જોઈ રહ્યા છો गुजरात तक। दिल्ली में एमसीडी चूंटणी पहला सोमवार एटले के 21 नवंबर ना रोज आप धारासभ्य गुलाबसिंह यादव ने मार मारवामां आव्यो होवानो एक वीडियो वायरल थयो छे। दिल्ली भाजपे आ वीडियो ट्विटर पर शेयर कर्यो छे। आरोप छे के आप कार्यकर्ताओए धारासभ्य ने चूंटणी में पैसा ना बदला में टिकट आपी होवानो आरोप लगावीने मार मार्यो हतो। ભાજપના કેટલાય નેતાઓ દ્વારા એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે દિલ્હીના મટિયાલામાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ તેમની જ પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ યાદવને માર માર્યો હતો। ગુલાબસિંહ આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રભારી પણ છે, ત્યારે ગુજરાતનું રાજકારણ પણ આ મુદ્દે ગરમાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે। આ મુદ્દે ભાજપના સંબિત પાત્રાએ ટ્વીટ કર્યું અને લખ્યું કે સાચી રાજનીતિ કરનારી પાર્ટીના કાર્યાલયથી સામે આવતી તસવીર આપનો ભ્રષ્ટાચાર તો એવો છે કે ખુદ કાર્યકર્તા પણ ધારાસભ્યને છોડી નથી રહ્યા। એમસીડી ચૂંટણીમાં પણ આવું જ કંઈક પરિણામ આવવાનું છે। મટિયાલા કે આમ આદમી પાર્ટી કે વિધાયક ગુલાબસિંહ યાદવ કો આમ આદમી પાર્ટી કે કાર્યકર્તા હી અપને હી કાર્યાલય મે પીટ રહે હૈ, ગાલી દે રહે હૈ ઓર વહાં સે ભગાતે હુએ ઉનકે વિડિયો સામને આયે હૈ, ક્યુંકી ઉન પર આરોપ લગાયા ગયા હૈ કે વો એમસીડી કે ટિકટ બેચ રહે થે। ये पहला उदाहरण नहीं है जहां पर आम आदमी पार्टी का कैश दो टिकट लो वाला सिस्टम सामने आया है। मानो टिकटों की सेल लगी हो और जो जितना कैश दे सकता है उतने में टिकट खरीद सकता है एमसीडी का। इससे पहले एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया कि उन्हीं के कार्यकर्ता ने बताया कैसे कुछ कैश कलेक्टर टिकट बेच रहे थे। उससे पहले दो विधायकों के करीबी गिरफ्तार किए गए रंगे हाथ 90 लाख रूपए टिकट के एवज में। उसके पहले हमने देखा है राज्यसभा की टिकट हो, एनडी शर्मा जी उनके जो विधायक थे उनके आरोप हो, आदर्श शास्त्री हो, ऐसे कई लोगों ने आरोप लगाया है कि एमसीडी से लेकर राज्यसभा तक आम आदमी पार्टी अपना हर टिकट किस प्रकार से बेचती है। और आज तो स्वयं उनके कार्यकर्ता ने ही उनके ही विधायक को पीट कर, गाली देकर और वहां से भगाने का काम किया है क्योंकि उन्होंने टिकट बेचे। अब क्या अरविंद केजरीवाल कहेंगे ये भी कट्टर ईमानदार है, इनके लिए क्या भारत रत्न की मांग होगी, या वो कहेंगे ये वीडियो देखकर कि इनका भी कोई फिजियोथेरेपी चल रहा था, ये उनके कार्यकर्ता उन्हें वहां से भगा नहीं रहे। आ समग्र घटना ने लेने आम आदमी पार्टी ना दिल्ली ना कन्वीनर गोपाल राय पण प्रतिक्रिया आपी छे। शू कह्यु छे तेमणे सांभळो। कार्यकर्ता निश्चित तौर पर 2500 कार्यकर्ताओं ने फॉर्म जमा किए थे, 250 को टिकट मिला, तो बहुत सारे लोगों के मन में नाराजगी है। हमारे यहाँ से अरुण राज भी भाजपा के अंदर है, लोग लगातार आम आदमी पार्टी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी मुद्दा विहीन है, इतनी मुद्दा विहीन है कि प्लांड वे में कल हमला कराया जाता है और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के कहे जाते हैं और थाने में पहुंचता है भाजपा का नेता। तो मैं वही बात फिर दोहराना चाहता हूं, ये कोई आजकल की स्टोरी नहीं, आज की नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले 2 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी बस इसी पे चुनाव लड़ना चाहती है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा, शायद किसी ने उनको गुरुमंत्र दिया है केजरीवाल को गाली दोगे तो वोट मिलेगा। दिल्ली वालों ने काम करने के लिए केजरीवाल को वोट दिया था और केजरीवाल काम करने के लिए वोट मांग रहे हैं। काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार ये बात कही है, भागने के लिए रोजाना बहाना ढूंढती है कि 15 साल का हमें हिसाब ना देना पड़े। लोग कहते हैं 15 साल में क्या किया एमसीडी में, वो कहते हैं हमने स्टिंग ऑपरेशन देखो 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 जारी कर दिया। लोग कहते हैं कूड़ा कूड़ा क्यों रहा 15 साल दिल्ली, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए। वो कहती है देखो 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 वो पैसा टिकट का लिए पैसा मांग रहा था। लोग कह रहे हैं ये 3 कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं हटा पाए 15 साल में,
भाजपा कह रही है कि देखो 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 तिहाड़ जेल में क्या हो रहा। अरे तिहाड़ जेल में हो रहा है उसको भी देखेंगे, स्टिंग ऑपरेशन भी देखेंगे, सारा चीज देखेंगे, लेकिन 15 साल का हिसाब लेंगे, 4 तारीख को हिसाब किताब होगा भारतीय जनता पार्टी को। भाग नहीं पाएगी भाजपा, जवाब देना पड़ेगा, 15 साल का हिसाब लिया जाएगा, हर गली में लेंगे, हर मोहल्ले में लेंगे, हर नुक्कड़ पर लेंगे। भाग भाजपा भाग का जो नारा चल रहा है बीजेपी का, स्टिंग के पीछे चेहरा छुपा रहे हो, जेल के फर्जी चिट्ठियों के पीछे जो चेहरा छुपा रहे हो वो अब छुपने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो से नीचे गली में जा चुका है, गली में तो जवाब देना पड़ेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जवाब नहीं दे पा रहा है। पिछली बार तो इन्होंने काम चला लिया था, माफी मांग के बोले हमारे सारे भ्रष्ट हैं इसलिए सबके टिकट काट रहे हैं, एक मौका दे दो, अब तो वो भी बहाना नहीं है। तो बहाने डेली इनके बनेंगे, आगे और भी ये ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन, फर्जी काम, ये सब करते रहेंगे, कुछ और है नहीं कहने के लिए। हाल तो भाजपे चूंटणी नी सीजन मां आवात ने मोटो मुद्दो बनाव्यो छे। गुलाबसिंह यादव गुजरात मां आम आदमी पार्टी ना चूंटणी प्रभारी छे, त्यारे गुजरात नु राजकारण पण गरमायु छे। जो आपने हमारा आ वीडियो पसंद आवे होय तो लाइक अने शेयर करवानु भूलता नहीं, साथे ज चूंटणी ने लईने पड़े पड़नी माहिती माटे जोता रहो गुजरात तक।